है गाइस सैलियर। और दोस्तों आज मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद आया हूँ और कुछ बंदे सोच भी रहे होंगे भाई वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिले करने लग गया, साहिल का मन हट गया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है ना कोई ग्रूमिंग पे होने वाली है, ना कोई फैशन पे होने वाली है और ना आपकी हेयर स्टाइलिंग पे होने वाली है। तो वैसे आपको थंबनेल देख के पता चला होगा कि आज की जो वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो ऑब्वियसली मेरा नया लैपटॉप आया है और उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियो है इसमें कोई भी नॉलेज नहीं है और मतलब मैं ऐसी वेला बैठा तो बना दी, तो इसमें नॉलेज भी भरपूर है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और अगर नए यूट्यूबर बनना चाहते हो, अगर अच्छे खास यूट्यूबर बनना चाहते हो और उसके लिए आपको कौन से लैपटॉप की जरूरत होगी, किस टाइप का पीसी है वो होना चाहिए, वो डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और मैं अपना नया लैपटॉप भी आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल का आइकन है उसको पहले दबा देना। तो अगर इंस्टाग्राम पे नहीं गए हो तो अभी वहाँ पर जाओ, जाके आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। तो हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार जैसे जो बंदे मतलब मेरे पुराने व्यूअर हैं और उनको पता होगा जो मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं कि मैंने कुछ टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड की थी भाई कि जो मेरी वीडियोज है उसमें थोड़ा सा डिले होता रहेगा क्योंकि जो मेरा पीसी है वो खराब हो चुका है। यार मैं आपको पहले बता दूं मटर चोर जो मेरी किस्मत है यार वो काफ़ी खराब है, मतलब हमेशा लगे रहते हैं। तो यार बहुत बुरी बात है, जैसे मतलब लॉकडाउन आया ना तो सबसे मेरा जो पीसी है वो पूरा खराब हो चुका था और बिल्कुल जो काम है वो नहीं हो पा रहा था और जो पूरी किस्मत है वो खराब थी। और मैं पापा के लैपटॉप पे काम कर रहा था और जिसकी वजह से जो वीडियो में काफ़ी डिले हो रहा था, उनका भी काम है मेरा भी काम है, तो 24/7 मैं काम नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो मेरा लैपटॉप है वो आ चुका है और लेकिन अब से जो वीडियो है वो आपको रेगुलर देखने के लिए मिलती रहेगी। और यार अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्यों अभी फॉलो कर लो, क्योंकि अगर मेरी वीडियोस नहीं भी आने वाली होती है तो मैं वहाँ पर अपडेट करता हूँ और मैं आपको वहाँ पर पहले बता देता हूँ कि भाई यार इस टाइम पर वीडियो नहीं आएगी, तब तक जाके आप थाली बजा सकते हो, जो मन करे कर सकते हो। तो मेन बात यही थी कि अब से जो वीडियो है वो रेगुलर आएगी और उसमें डिले नहीं होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लैपटॉप की तरफ, देखते हैं कि हमारा लैपटॉप कैसा है और कैसे हमने बाय किया है, कैसा है मतलब जो भी हो। तो यहाँ पर मैंने बाय किया एसर का नाइट्रो 7 i5 9th generation। और ये मैं आपको बताऊँ कि मेरा इसका बाय करने का पर्पस क्या है। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी अच्छी है और ये प्लस एक स्पेशली गेमिंग लैपटॉप है और गेमिंग लैपटॉप काफ़ी सही है कि मैं मतलब ज़्यादा गेमिंग भी करता हूँ और प्लस जो हैवी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी चलाने की मुझको ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो गेमिंग लैपटॉप है वो मैंने बाय किया ताकि आगे जो कोई भी दिक्कत है वो ना आए। और ये i5 है 9th generation जिसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त मिलती है और रेंडरिंग मतलब यार पूछो मत, वो तो यूँ हो जाती है, मतलब 10 मिनट की वीडियो ना वो मतलब कुछ ही मिनट में हो जाती है, 1-2 मिनट में, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो इसको बाय करने का फर्स्ट जो रीज़न था वो था हमारी स्पेसिफिकेशन और जो सेकंड रीज़न है वो है इसका लुक, और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको मतलब सही बात बताऊँ, जब मैं इसको बाय कर रहा था, जब मैंने अमेजोन पे इसको देखा था तो फिर जो इसका लुक है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पर लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा मोटा सा है और जब ये मेरे हाथ में आना तो ऐसा लग रहा था मतलब बहुत ज़्यादा पतला सा है यार, सच में बहुत ज़्यादा पतला है आप देख सकते हो। तो मतलब ये इतना ज़्यादा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोटा सा है, हैवी सा है, गेमिंग है, तो आप कहीं भी इसको आराम से कैरी कर सकते हो और ले जा सकते हो। और इसके साथ अगर आप अमेजोन से बाय करते हो तो कोई बैग वैग नहीं मिलता, मैं तो ऐसे हाथ में लेके घूमता हूँ इसको। तो अब हम देखते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें SSD है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और SSD इसमें 256 GB है और जो काफ़ी सही है और इससे जो लैपटॉप है वो काफ़ी सही चलता है और कोई भी दिक्कत नहीं आती। मतलब आपका जो सी डिस्क होता है वो पूरा अलग होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और प्लस हार्ड ड्राइव होता है जो पूरा अलग रहता है जिसमें आपकी जो फाइल्स है वो रहती है। तो जो इसमें हार्ड ड्राइव है वो 1 TB है मतलब 1000 GB और जो इसमें SSD है वो 256 GB है और इसमें ग्राफिक कार्ड 4 GB है 1650 का। और अगर आप मतलब अच्छे खासे यूट्यूबर बनना चाहते हो, अगर आप अपने लिए कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हो, अगर आपको हैवी गेमिंग करनी है या फिर आपको हैवी सॉफ्टवेयर चलाने हैं रन करने हैं तो फिर उसके लिए मतलब आपको अच्छा खासा कोई लैपटॉप लेना होगा, आप गेमिंग लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। और मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप ये जो लैपटॉप है एसर का वो आप ले सकते हो, ये काफ़ी सही है। और मैंने इसको लेने से पहले पूरी फुल रिसर्च की हुई है, पापा ने की थी, मतलब उनके कहने पर जो लैपटॉप है वो है तो काफ़ी सही है ये। और वैसे अगर आप कोई भी ब्रांड का बाय करने जा रहे हो लैपटॉप तो वहाँ पर आपको मेन इंपॉर्टेंस देनी है अपने ग्राफिक कार्ड को और ग्राफिक कार्ड आपका जो है वो 4 GB मैक्सिमम होना चाहिए और प्लस आपको अच्छी स्पीड के लिए, अच्छी ग्राफिक की स्पीड के लिए 1650 जो ग्राफिक कार्ड होता है वही आपको लेना है। और प्लस वैसे आपको 1050 भी मिल जाता है तो उसका जमाना जा चुका है, आप उस जमाने में मत जाना, आपको 1650 ले सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसमें रैम 8 GB है जो कि काफ़ी सही है, बिल्कुल भी जो हैंग लैग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती और गेमिंग भी काफ़ी अच्छी तरह से आराम से हो जाती है। अब मुझे पता है काफ़ी सारे बंदों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा भाई पबजी खेल सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल खेल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और GTA 5 भी यहाँ तक कि आप रन कर सकते हो। और डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है जिससे आपकी आइज़ को दिक्कत नहीं होती, अगर इसकी ब्राइटनेस भी तेज रहेगी तो फिर इससे आपकी आइज़ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये प्लस पूरा फुल HD है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1080x9020 और जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई एंड होता है और ये फुल HD की कैटेगरी में आता है। और वैसे अगर आप चाहो कि 4K कनेक्ट कराना तो फिर आप अलग से जो मॉनिटर होता है वो आप लेके और उससे कनेक्ट करा सकते हो। और प्लस इसमें वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ
है और जो कूलिंग सिस्टम है वो काफी अच्छा है, और ये जो लैपटॉप है वो ज्यादा हीट नहीं होता, इसके पीछे से जितनी भी जो एयर है वो बाहर निकलते रहती है, जिससे आपका जो लैपटॉप है वो हीट नहीं होता और वो काफी कूल रहता है और ठंडे दिमाग होता है ना वैसे रहता है, और आराम से आप कोई भी गेम्स प्ले कर सकते हो, कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो और कोई भी लैग की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। और यहाँ पर हम बात करें कि आपको पोर्ट कौन से मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 USB मिलते हैं, 2 तो 3.0 होते हैं और एक जो होता है वो 2.0 होता है, और प्लस इसमें आपको एक सी टाइप जो हब है वो भी आपको मिलता है। तो सी टाइप काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब आप सभी को बताओ कि आने वाले टाइम में ये जो USB नॉर्मल वाले हैं वो खत्म होने वाले हैं और सी टाइप चलने वाले हैं, और फ्यूचर को ध्यान रखते हुए इस लैपटॉप को डिज़ाइन किया गया है। और बात करें इसकी बॉडी की, तो बॉडी काफ़ी सही है और बेजल इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बेजल मतलब है लेकिन बहुत ज़्यादा कम है, जिससे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मतलब कोई कोई लैपटॉप होते हैं काफ़ी ज़्यादा भद्दी दिखाई देते हैं, उनके साइड में जो बेजल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखेगा। साइड के जो बेजल है वो काफ़ी ज़्यादा लेस हैं, और प्लस ऊपर अगर आप देखते हो तो ऊपर थोड़े मोड़े हैं, क्योंकि ऊपर कैमरा भी है तो ऊपर में आपको थोड़ा बेजल दिखाई देगा, लेकिन साइड में जो बेजल है वो बिल्कुल भी नहीं है। और स्लिम बहुत है यार, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इसको बाय करने से पहले कि इतना ज़्यादा स्लिम होगा, और हैंडी भी है काफ़ी ज़्यादा, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, और हैवी गेम रेंडरिंग और जो हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपको चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, और हैंग और लैग की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये सब थी इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन, और मैंने आपको इसीलिए ये बताया क्योंकि यार अगर आप कोई अच्छी खासी यूट्यूबर बनना चाहते हो, या फिर अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, और अगर आप चाहते हो कि कौन सा जो लैपटॉप है वो अच्छा होगा हमारे डेली काम के लिए, और हमारे जिससे हमारी जो रेंडरिंग है वो काफ़ी फास्ट हो, हमको गेमिंग में प्रॉब्लम ना आए और हैवी जो सॉफ्टवेयर है उसमें लैग की प्रॉब्लम ना आए, तो आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो और ये आपके काम के लिए काफ़ी बेटर होगा। इसकी हम प्राइस की बात करें तो जो करंट प्राइस इसका चल रहा है वो है 75,000, और हमने इसको ऑफर में बाय किया है, तो ऑफर में इसका जो प्राइस था वो 60,000 था, तो हमने इसको बाय कर लिया, तो इसके लिए क्लैप कर देना और कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना, काफ़ी ज़्यादा सही है। और मतलब हमने इसको जब बाय किया ना, तो उसके बाद जो इसका रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और हम अफसोस नहीं कर पाए, तो अच्छी बात है ना। तो यही थी इसकी स्पेसिफिकेशन, और अगर आप कोई बाय करना चाहते हो तो आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। और वैसे ही जो लैपटॉप का प्राइस है वो 60,000 है, और प्लस हमने इसके लिए अलग से भी चीज़ें ली है, जैसे कूलिंग पैड होता है वो लिया है, और जो USB पोर्ट होता है वो भी हमने लिया, और HDMI केबल भी अलग से बाय करनी पड़ी है, तो इसके जो पूरा जो बजट मिला के वो 62,000 हो चुका है। तो यही था कुछ इस वीडियो में, और आशा करता हूं आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको फैशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए, अगर आपको स्मार्ट हैंडसम बनना है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आई नो कि जो वीडियो है वो फैशन से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन आप प्रीवियस वीडियो जाकर चेक कर सकते हो अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, तो सारी फैशन से रिलेटेड है, सारी यही है कि आपको कैसे स्मार्ट हैंडसम बनना है। और अगर आप मतलब इंस्टाग्राम पे नहीं गए तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो मेरी कई सारी फोटोज हैं, जाके उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और वहाँ पर मैं हमेशा आपको अपडेट भी रखता हूँ। तो बस हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ, और उसमें हम देखेंगे आपको कैसे स्मार्ट हैंडसम बनना है। तो बस इसी वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए पीस आउट।